हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशु प्रिया और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है प्रिया कुकिंग रेसिपीज। अगर आप हरी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो बेसन की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मीडियम साइज के 4 ऑनियन कट किए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे मैंने 1/2 kg बेसन का पैकेट लिया है। इसके बाद मैं इसे चलनी की सहायता से इसकी गंदगी साफ कर लूंगी। यहाँ पे बेसन साफ हो चुका है। बाद में यहाँ 1 tablespoon हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, 1 tablespoon मिर्ची पाउडर ऐड करूंगी, 1 tablespoon धनिया पाउडर ऐड करूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा डालूंगी और यहाँ पे मैं स्वादानुसार नमक डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें पानी डालकर इसका घोल तैयार करूंगी। घोल हमारा ना ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा गाढ़ा। यहाँ हमारा घोल रेडी हो चुका है। अब मैं आगे की प्रोसेस की तरफ तैयारी करती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म किया है और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म होने पे मैं इसमें 1 teaspoon जीरा डालूंगी। यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा के ब्राउन होने के बाद मैंने जो घोल तैयार किया है उसको इसमें डालूंगी। जीरा ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें घोल डालूंगी और मैं इसे अच्छे तरीके से मिलाते रहूंगी ताकि ये हमारे कढ़ाई में चिपक न जाए। यहाँ पे हमारा घोल काफी थिक हो चुका है, इसका मतलब है ये पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ मैंने एक थाली पर ऑयल लगा दिया है। मैंने इस थाली पे तेल इसलिए लगाया है ताकि जब मैं इस पे तैयार किया हुआ बेसन रखूंगी तो वो थाली से चिपके ना। इसके बाद मैंने बेसन को गोलाकार का शेप दे दिया है और इसके ठंडे हो जाने पे मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लूंगी। ये देखिए, मैंने इसे बर्फी आकार में काटा है। इसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी। लाइट ब्राउन होने तक ही हमें इसे फ्राई करना है। इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। ये हमारा फ्राई हो चुका है और अब मैं इसे निकाल लूंगी और इसके बाद ऐसे ही मैं सारे पीसेस को फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे
फिर हमारे सारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं और इसके बाद मैं मसाले की तरफ आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया था और अब इसके अंदर हमारा 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर जाएगा और इसके बाद 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा। यहाँ मैंने 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर डाला है और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून मीट मसाला ऐड करूँगी। और इसका मैं घोल अच्छे से तैयार कर लूँगी। अब मैं मसाला फ्राई करने की ओर आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे हमारा जो बचा हुआ ऑयल था मैंने उसको ही यूज किया है। और इसके गर्म होने पर मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डालूंगी। जीरा के ब्राउन होने पर मैं इसमें 4 तेज पत्ता डालूंगी और इसके बाद 4 या 5 लाल मिर्च डालूंगी। और इसके बाद जो मैंने गार्लिक पेस्ट रेडी किया था अब मैं उसको भी इसमें डाल दूंगी। इसके हल्के ब्राउन होने पर मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेडी किया था। अब हम मसालों को अच्छी तरीके से मिलाते हुए कम से कम 15 या 20 मिनट फ्राई करेंगे। कुछ देर फ्राई होने के बाद मैं इसमें जिंजर पेस्ट डालूंगी और इसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लूंगी। हमारा मसाला लगभग भून चुका है और इसके अंदर मैं अब पानी ऐड करूंगी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उसके अनुसार से पानी को ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें स्वादानुसार नमक डालूंगी। अब हमारे ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हमने जो पीसेस फ्राई किए थे अब मैं इसके अंदर डालूंगी।
सारे पीसेस डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी और इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। और यहाँ पे फाइनली हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चावल के साथ ट्राई करने के लिए प्रेफर करूंगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।